नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही हैं, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ही, प्लीज दरख्वास्त है। थैंक यू। नमस्कार। कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ट्रेन से गैर जरूरी यात्राएं ना करें। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जहां अधिक भीड़ होती है वहां इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी अधिक होता है, इसलिए अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए इन स्थानों पर जाने से बचे तथा अपने ट्रेन यात्राओं को पोस्टपोन कर दे। आप जहां भी हैं वहीं रहिए। आपका ये कदम कोरोना को फैलने से रोकने में सहायक होगा। शुक्रिया। हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का, और हमें हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता, आई विश आई हैड द टाइम एंड देर वॉज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू, काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है। तो गाइज, प्लीज डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस। जैसे आपने कहा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, प्लीज घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, और दैट्स इट। धन्यवाद।